और किसान की जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले उसकी आंख फोड़ देंगे जो किसान की जमीन की तरफ आंख उठाकर देख लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धृष्टिर उपाध्याय। इन दिनों किसानों के नाम पर विपक्षी दल किस तरह से अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं उससे पूरा देश देख रहा है, और इसमें वो किसान नेता भी शामिल हैं जो खुद को किसानों का मसीहा तो बता रहे हैं लेकिन उनकी हरकतें इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और आरएलडी जैसी कई पार्टियां जगह जगह महा पंचायत और सभाएं कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है और इनकी असल सच्चाई देश के सामने लाने के लिए महासम्मेलन करने शुरू कर दिए हैं। और इसकी शुरुआत उसी क्षेत्र से की है जहां जाट बिरादरी का गढ़ है और जहां सेंधमारी करने के लिए विपक्षी पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर के लुसाना गांव में आयोजित किसान मजदूर महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बुढ़ाना से गांव लुसाना तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो कर पहुंचे। महासम्मेलन के आयोजक और क्षेत्र के लोगों ने बुढ़ाना की सीमा में पहुंचते ही केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले को रुकवाकर उनका जोरदार स्वागत किया। ये देखकर संजीव बालियान ने अपनी कार से नीचे उतरकर खुद ही ट्रैक्टर पर बैठकर स्टीयरिंग थाम ली। खुद ट्रैक्टर चलाते हुए करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करके रोड शो के रूप में महासम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान कई ट्रैक्टर उनके रोड शो में शामिल रहे। रोड शो के दौरान लगातार प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री के जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। गांव लुसाना में जब केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायकों के साथ बीजेपी पदाधिकारी महासम्मेलन के मंच पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने सभी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। महासम्मेलन में आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। किसान मजदूर महासम्मेलन में संजीव बालियान और विधायक उमेश मलिक ने ग्रामीणों को साल 2013 के सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाई। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि दंगों के दौरान जिन्होंने अपनों के बीच आना पसंद नहीं किया आज भी केवल वोट के मकसद से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुख दुख के दौरान अपनों के बीच रहे हैं और अपनों के बीच ही रहेंगे, यहाँ तक कि अपनों के साथ जेल भी गए हैं। अपनों के बीच जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दंगों में हमारे युवाओं के खिलाफ अवैध रूप से मुकदमे दर्ज हुए। किसान खेत में जाने से डरने लगा था, खड़ी फसलें काटी जाने लगी थी। उस खौफनाक मंजर को क्षेत्र की जनता कभी नहीं भूलेगी। योगी जी के रखते पर हमारे नेताओं को तो आपके पीछे को औलाद भी नहीं है, किसे दे के जाएंगे? तुम अपनी सोच के देखो जो खा खा के थारे पेट भर गए। ना मोदी जी का के पीछे कोई और ना योगी जी का के पीछे कोई। योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ। ये दोनों गरीब परिवारों की उपज है जी, और किसान की जमीन की तरफ कोई आंख उठा के देख ले उसकी आंख फोड़ देंगे जो किसान की जमीन की तरफ आंख खड़ा के देख लगा। भला किसकी हिम्मत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है जो हम तम कर रहे शुगर मिल के साथ। वही विधायक उमेश मलिक ने कहा कि साल 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कवाल गांव में नितिन और सचिन की हत्या के साथ साथ 16 अन्य युवकों की हत्या हुई जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। विधायक उमेश मलिक ने बिना नाम लिए जैन चौधरी के मोहम्मद जोला के पैर छूने पर कटाक्ष किए। जाट बाउल गांव में बढ़ते विरोध और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी ने सैनी बाउल गांव लुसाना में किसान मजदूर महासम्मेलन का सफल आयोजन किया। इससे साफ है कि भले ही विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को लेकर खासकर पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच जाकर वोटों की फसल उगाने की कोशिश कर रही हो लेकिन बीजेपी इनके मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।